तक आज का घोषणा हो जाएगी क्या? आज कितने बजे तक घोषणा होने की उम्मीद? चार बजे लगता है कि बात बन गई है। कितने बजे समय की कंफ्यूजन है? नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, इसे आप चुनाव पर चौका भी कह सकते हैं, क्योंकि आज ही ऐलान हो जाएगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला क्या होगा। तेजस्वी यादव ने सब कुछ सेट कर लिया है, किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, इन सब का जिक्र आज होगा। और आज तेजस्वी यादव पीसी करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 4 बजे तेजस्वी यादव ऐलान भी करेंगे कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। इससे पहले कि आपको हम ये बताएं कि कौन से किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, उससे पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि जानकारी उन्होंने दी है। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इसमें ही तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे, ये बताएंगे कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, पहले सुनिए। सर कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? 4 बजे। 4 बजे तो सर सब कुछ फाइनल हो गया? सब कुछ सर 4 बजे है। कहाँ सर, किस होटल का? अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 4 बजे होगा। हाँ। तो आपने सुना, मनोज झा ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं, यानी कि महागठबंधन को लेकर सबसे बड़ी खबर आने वाली है। ठीक 4 बजे तेजस्वी यादव ने जो अपना प्लान बनाया है उसे धीरे धीरे करके खोलेंगे और जनता के बीच रखेंगे, यानी कि आज ऐलान हो जाएगा कि वीआईपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मुकेश सैनी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, जो वाम दल है, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, उनके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जो लगातार तेजस्वी यादव से नाराज चल रही थी, जिसे तेजस्वी यादव ने बमुश्किल समझाया है, उसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन आपको बताते हैं कि अब तक जो समीकरण बिठाया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, वो क्या कहता है। दरअसल जो सहमति बनी है उसके अनुसार कांग्रेस को 65 सीटें मिलेंगी। सीट शेयरिंग के मामले में वाम दलों में माले सबसे अधिक मुनाफे में दिख रहा है। माले की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आई और उसने 19 सीटें हासिल की है। खास बात यह है कि माले ने राजद की कुल सिटिंग सीटें भी हथिया ली, CPI ने भी एक सीट पर इजाफा कर लिया, ऐसे ही 6 सीटें मिली है। CPM को 3, VIP को 8 सीटें मिली है। इस हिसाब से राजद के खाते में लगभग 142 सीटें जाएंगी। NCP को मनाने का जिम्मा कांग्रेस के पास है, लिहाजा कांग्रेस को 1 सीट और भी मिल सकती है और इसके बाद RJD 140 सीटों पर मैदान में उतरेगा। तो ये सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला तेजस्वी यादव की तरफ से बना दिया गया और आज तेजस्वी यादव अपने पत्ते को खोलेंगे, ये बताएंगे कि फाइनल मुहर कितनी सीटों पर लगती है और किसके पाले में कितनी सीटें जाती हैं। हालांकि ये कवायद कई दिनों से चल रही थी, लेकिन क्योंकि नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है और 8 अक्टूबर तक फर्स्ट फीस की जो वोटिंग होनी है उसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्लोज कर दी जाएगी, ऐसे में बहुत ही कम वक्त बचा था और तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती भी थी। आज ठीक 4 बजे तेजस्वी यादव महाऐलान करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।